Hello everyone. In this video, we will calculate break-even point, PV ratio and fixed cost. In this question, we have to calculate break-even point in rupees from the following. इस question में हमको break-even point rupees में calculate करना है. यहाँ पर हमको इस question में देके रखा है sales first year का 80,000 rupees. सेकेंड ईयर का सेल्स 90,000 रुपीज़, प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का 10,000 रुपीज़ और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 14,000 दे के रखा है. जब भी क्वेश्चन में हमको इस तरह की इंफॉर्मेशन दे के रखेंगे, सबसे पहले हमको पीवी रेशो निकालना है, फिक्स कॉस्ट और उसके बाद हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे. नाउ वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट पीवी रेशो. जब सेल्स और प्रॉफिट्स दो पीरियड का देके रखेंगे तो पीवी रेशो का फॉर्मूला होगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. अब देखिए हमारा प्रॉफिट कितना है, 14,000 माइनस 10,000. इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा चेंज इन प्रॉफिट. चेंज इन सेल्स 90,000 माइनस 80,000, सो वी विल गेट 4,000. That is change in profit upon 10,000. That is change in sales into 100. Calculation करने के बाद हमारा PV ratio आएगा 40%. Now we have to calculate fixed cost. Fixed cost calculate करने का formula है sales into PV ratio minus profit. जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो जिस साल का हम सेल्स ले रहे हैं उसी साल का हमको प्रॉफिट भी लेना है. इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट ईयर का सेल्स और फर्स्ट ईयर का ही हम प्रॉफिट भी लेंगे. नाउ वी विल पुट अमाउंट इन द फॉर्मूला. सेल्स से हमारा 80,000, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया है वो है 40% माइनस 10,000. After the calculation, fixed amount, fixed cost will be rupees 22,000. Now break even point in rupees. The formula for that will be fixed cost upon PV ratio. Hamara fixed cost humne calculate kiya tha 22,000 upon mein 40 into 100. Break even point in rupees amount mein aaya hai 55,000 rupees.